हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गांव में दबिश देने के दौरान शहीद 8 पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पुलिस लाइन पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहीद सभी 8 पुलिस जवान के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही शहीदों के प्रत्येक परिवार के 1-1 सदस्य को शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी और आश्रित को असाधारण पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इस घटना में दोषी किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, उसे कानून के दायरे में कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिन भर की ड्यूटी के बाद अपराधियों और माफिया के खिलाफ जारी पुलिस के अभियान के तहत ही पुलिस टीम छापा मारने गई थी। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उन्हें कानून के दायरे में कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। किसी भी कीमत पर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है जो छापेमारी कर रही है। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं और हमारे जवानों से छीने गए असलहे भी बरामद हो गए हैं। गौरतलब है कि कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे को गुरुवार की आधी रात पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। घरों की छत से पुलिस पर गोलियां बरसाई गईं जिसमें CO बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा समेत 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हैं जिन्हें कानपुर नगर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 1 पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में कानपुर के ADG जयनारायण सिंह ने बताया। संजय है साथ में, लाइजू का स्टेटस क्या है पता नहीं चलेगा। अपना लगाइए। अरे यार सर प्लीज सर 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 एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और CO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो आते हैं उसमें जो आते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो आते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो आते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा मैंने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं वहां से पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे।